हेलो स्टूडेंट्स, आज की एक क्लास में अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, जैसा कि अपन को मालूम है, डेफिनेशन है कि वे कंपाउंड्स या वे तारधात्विक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्व, चाहे वह तत्व धातु हो, अधातु हो या उपधातु हो, से सीधा जुड़ा होता है। अतः धातु कार्बन बंध की प्रकृति पोलर होती है, ध्रुवी होती है, जो उन दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। मेटल कार्बन बंध का कार्बन परमाणु सामान्यतः एल्किल, एरिल और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आदि का भाग होता है। अतः मात्र कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता के स्थान पर जो संपूर्ण कार्बनिक समूह है उसकी प्रभावी विद्युत ऋणता बंध की पोलैरिटी निर्धारित करेगी। इसको कार्बनिक समूह पर हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के द्वारा कम किया जा सकता है तथा इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले परमाणु या पाई इलेक्ट्रॉन नंबर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। धातु कार्बनिक बंध के आधार पर जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको चार क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला आयनिक यौगिक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा इलेक्ट्रॉन न्यून और फोर्थ है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक। तो सबसे पहले हम इसमें आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनकी नेचर आयनिक होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन तथा धातु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होने के कारण से कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंतर बहुत अधिक होने के कारण से आवेश का लगभग पूर्णतया स्थानांतरण हो जाता है तथा कार्बनिक जो समूह है वो कार्बन एन आयन की भांति व्यवहार करने लगता है। उच्च इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 से कम होती है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एक एग्जांपल है इसका एथिल सोडियम, डाइफेनिल मैग्नीशियम आदि। चूंकि इनकी प्रकृति आयनिक होती है अतः ये आयनिक यौगिकों की भांति ही गुण प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे इनके आयनिक कंपाउंड्स की भांति ये बेंजीन सॉल्यूशन में अविलय रहते हैं। दूसरा है कि इनके विलयन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विद्युत धारा का प्रवहन करते हैं, तो इसमें कंडक्टर्स की भांति व्यवहार करते हैं। ये उभय अपघटन की अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया दर्शाते हैं। जब कार्बन परमाणु इस प्रकार के यौगिकों में असंतृप्त या एरोमेटिक होते हैं तब धातु कार्बन बंध की जो पोलैरिटी है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, आयनिक नेचर वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वे या आयनिक यौगिकों की तरह अनेक गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरे यौगिक हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव युक्त जो धातु हैं जिनकी विद्युत ऋणता जो है 1.5 से 2 के बीच होती है और अधातु जैसे लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बोरोन, सिलिकॉन आदि, इन यौगिकों में मेटल कार्बन जो बंध है वो सिग्मा कोवेलेंट बंध होता है। सिग्मा बंधों के कारण ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड निश्चित संख्या में इनके बंध बनते हैं और ये धातु परमाणु के संतरण पर निर्भर करता है कि मेटल किस हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में है। जैसे डाई एथिल जिंक, डाई एथिल मर्करी, इनकी रेखीय प्रकृति होती है और इसमें धातु जो है sp संकरण की अवस्था में होता है। इसी तरह से ट्राई मैथिल बोरोन, टेट्रामैथिल सेलेन, तो ये जो है जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उन सब की जो प्रकृति है वो धातु परमाणु के संकरण पर निर्भर करती है। धातु के जितने भी कार्बोनिल्स हैं उनमें मेटल कार्बोनिल का जो बंध है वो कोवेलेंट प्रकृति का होता है और इसी श्रेणी में आता है। अब तीसरे प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम आदि की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हैं इस प्रकार की हैं कि इनमें संयोजिता कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम होती है। इसके फलस्वरूप इनमें
सह संयोजक यौगिकों में तत्वों द्वारा अपनी सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग करने के पश्चात भी जो इनका अष्टक है वो पूर्ण नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का ये डाइमर है, बेरिलियम का बहुलक है, ये मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की श्रेणी में आते हैं। फोर्थ जो इसमें है वो है डीलोटिलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। साधारण जो संक्रमण तत्व हैं वो वर्ग 4 से वर्ग 10 में इस प्रकार के कार्बन धातु यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों के असंतृप्त कार्बनिक समूह जैसे एल्कीन एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अग्र धातु के रिक्त कक्षक से अतिव्यापन करता है तथा साथ ही धातु से पूर्ण भरे जो डी कक्षक हैं वो कार्बन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के मध्य डी पाई पी पाई स्टार अतिव्यापन होता है। इस प्रकार इनमें द्विगुण के गुण आ जाते हैं। जैसे ओलिफिन के पाई कक्षक का धातु के रिक्त कक्षक के साथ में अतिव्यापन होता है और धातु के जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं ये पूर्ण भरे डी कक्षकों का कार्बन के रिक्त कक्षकों से अतिव्यापन होता है। इनको हम डी पाई पी पाई स्टार अतिव्यापन कहते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। धन्यवाद।